जपजी साहब दी छेवीं पौड़ी विच गुरु महाराज साहब असा मनुखा नू शरीर दा उदाहरण देंदे होए मन नू एक बहुत ही नेक शिक्षा दे रहे हन। गुरु महाराज फरमांदे हन, तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाणी की नाई करी। पाव मैं तीर्था उत्ते जाके ता इशनान करा जे इस तरह करके मैं उस परमात्मा नू खुश कर सकांगा, पर जेकर इस प्रकार सच्चे पिता अकाल पुरख जी खुश नहीं होंदे ता फिर मैं तीर्था ते जाके क्यों ना आवां। गुरु साहब फरमांदे हन कि जे ऐसा मनुख तीर्थ स्थान पर केवल शारीरिक स्नान करके आंदे हाँ ता ओ व्यर्थ है, क्योंकि तीर्थ करके ता मन दा स्नान होना चाहिदा है, यानी कि मन विच रब दी अमृतवाणी पर जानी चाहिदी है, मन दे मैल साफ हो जाने चाहिदे हन। जेती सिरठी उपाई वेखा विण करमा के मिले लई। पाव इत्थे मारा सा फरमांदे हन कि मैं ता यही देखिया है कि अकाल पुरख वाहेगुरु जी दी पैदा कीती हुई इस दुनिया विच रब दी किरपा बिना किसी नू कुछ नहीं मिलदा, परमात्मा तो बिना कोई कुछ भी नहीं ले सकदा। एथे सिरती शब्द दा भाव है सृष्टि। महाराज साहब ए भी फरमांदे हन कि कर्म भी दो प्रकार दे हन, एक ता कर्म ओ जेड़ा असा मनुखा द्वारा किते जांदे हन, ते दूजा कर्म ओ जो परमात्मा दे कर्म है, यानी कि रब दी दात, रब दी रहमत। सत्संगत जी, परमात्मा दे कर्म नू हासिल करन वास्ते असा मनुखा नू चंगे कर्म करने ही पैने, मेहनत करनी ही पैनी, ताही असी परमात्मा दी रहमत नू हासिल कर सकदे हैं। मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी। पाव जे असा मनुखा ने सतगुरु जी दी एक सिख्या भी सुन ली जा असी सतगुरु जी दी सिख्या सिख ली ता असा मनुखा दी बुद्धि विच रतन जवाहर अते मोती पैदा हो जाने हन, क्योंकि रब दी अमृत वाणी दा ज्ञान ही साडे मन दी मैल नू दूर कर सकदा है अते अपने मन नू रब दे गुणा नाल भर सकदा है, ते रब दे गुण ही साडे चित विच बसदे होए रतन जवाहर अते मोती हन। गुरा इक देही बुझाई। पाव जिस प्रकार धरती विच अनेक प्रकार दी बेशकीमती चीजा हन उसनों ओही बाहर कढ सकदा है जिसनों उदा ज्ञान है, उसी प्रकार असी मनुखां दे मन विच भी परमात्मा रूपी ज्ञान है, ते इस ज्ञान नू जानना ते उस विच लीन हो जाने वास्ते सिर्फ और सिर्फ एक गुरु दे द्वारा ही पॉसिबल है। ते महाराज साहब कहंदे हन कि ताही साडा चित ए अरदास करदा है कि सबना जीदा इक दाता सो में विसर न जाई। पाव हे मेरे परमात्मा, मेरी ये अरदास है कि मैं उस अकाल पुरख रब परमात्मा नू कदे भी ना विसरा। जे मैं उस दाता नू विसर गया ता मैं उस दे नाल जुड़ के नहीं रह सकदा, ताही मैं ये बेनती करदा है कि मैनू उस दाता नू कदे भी ना विसरन दियो, क्योंकि जे मैं उदे नाल जुड़ा रहेंगा ता मैं उस परमात्मा दे नेड़े बहुत छेती पहुंच सकांगा। सत्संग जी, एसी जपजी साहब दी छेवीं पौड़ी दी व्याख्या बहुत जल्द मैं आप जी दे समक्ष सतवीं पौड़ी दी व्याख्या लेके हाजिर होवांगी। जत थे वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।